गुड मॉर्निंग, नमस्ते आप सभी को मेरी तरफ से। और आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। कल मेरी बेटी, बड़ी बेटी की ननिया सास एक्सपायर हो गई थी, तो कल तो मैं वहीं रही करोल बाग, और कल मैं बिल्कुल अपनी वीडियो पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि समय ही ऐसा था कि कुछ नहीं कर पाई। तो आज भी मुझे वहीं जाना है क्योंकि आज उनका था जो लेडीज़ से जाती हैं उसमें जाना है हमें, और मैं जल्दी से बच्चों के साथ ही निकल रही हूँ कि जल्दी टाइम से पहुँचना पड़ेगा। तो आज हम करोल बाग निकलेंगे, चलो चलते हैं। यहाँ पे कितना ट्रैफिक में जाम फंसे हुए हम लोग, और पहुँचना था हमें जबकि 12 बजे, और टाइम हो गया 11:30 हो चुके हैं। देखो आधा घंटे में हम कैसे पहुँचेंगे। अभी हम पहुँचे ही हैं अपना मायापुरी, और जाएंगे देखते हैं भाई चारू की ड्राइविंग और हमारा टाइम भी आज। लेकिन आज ज़्यादा लग रहा है कुछ ट्रैफिक दोनों साइड से। चारू आपकी ड्राइविंग में आधा घंटे पहुँचा दूँगी मैं तो 20 मिनट का रास्ता पहुँचा दूँगी। चलो आज चैलेंज, ठीक है सोनू के साथ तो हम रोज ये चैलेंज करते हैं, आज आपके साथ। आज हमारी माँ बेटी का चैलेंज है ये, मुझे 12 बजे पहुँचाती है नहीं पहुँचाती है देख लो। टाइम अभी हो रहा है 11:30 तो आज हम दोनों का चैलेंज देखते हैं कौन जीता है कौन हारता है। मेरा कहना है कि शायद हम नहीं पहुँच पाएंगे, शायद या पक्का एक बात बोलो। ना पक्का 12 बजे के बाद पहुँचेंगे, आपका टाइम है और 12 बजे के बाद का मेरा, ठीक है। तो आज दोनों की माँ बेटी की हार जीत की है, तो बोलना मत लेकिन आप जो रेड लाइट का वेस्ट होगा, रूल भी वेस्ट नहीं करोगे कि भाई हमारा रूल पे ही रहना पड़ेगा वरना चलाना जाएगा पापा मारेंगे। कितनी स्पीड है, कितना हमें रखना है, तो चलो भाई वो उसके लिए चलाने वाले भी बैठे स्पीड कंट्रोल करने के लिए। तो हम दोनों का आज का यही है, देखते हैं कौन जीता है कौन। तो मम्मी स्कूटी से जाती तो इसलिए हमने सोचा, मतलब मैंने सोचा कि चलो यार गाड़ी से 10 मिनट का फ़र्क होता है तो मंदिर ही हो जाओ, फिर आपको वहाँ पे भी पता नहीं कितना टाइम लग जाए, डॉलर वगैरह भी आपका वेट कर रहे होंगे कैसे, वरना उसका फ़ोन आ जाएगा। कोई बात नहीं, मैं सोची आज पड़ोसी का फ़ोन का इंतजार कर रहे हैं इसलिए। फिर भी अब देखो ना के जाओगी नहीं तो, मतलब जैसे वहाँ जाना फिर कपड़े चेंज करके फिर मंदिर जाओगी तो थकोगी फालतू में, तो 10 मिनट में मंदिर के दर्शन करो और अपने फिर जो मतलब उनके आंटी के जाना है तो आंटी के चले जाना फिर। कहते हैं ना कभी कभी बच्चों का बड़ा अच्छा दिमाग होता है, इसलिए इसने अपना दिमाग वाली बात बता दी है, इसलिए मैं पहले मंदिर आ गई हूँ। तो मंदिर से मैं फ्री होती हूँ, उसके बाद मुझे वहाँ समंदर के यहाँ भी जाना है उनकी मम्मी के, तो बाद में मैं वहाँ जाऊँगी पहले मंदिर के दर्शन करके आती हूँ। तो हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा चुके हैं, बस धूप बड़ी तेज़ है आज, गर्मी भी बहुत है। पार्किंग की जगह देखिए, सही जगह मिल गई है। वैसे चार वो यहाँ से ये मंदिर को थोड़ा सा बंद कर दिया, नहीं तो अंदर तक गाड़ी जा सकती है। गेट देखो आगे बंद है, आगे देखो गेट। हाँ वो बंद कर रखा है ना, यहाँ पे मोड़ने में दिक्कत हो जाती है, उसके बैक करने में दिक्कत, ठीक है वैसे तो इतनी जगह है। हाँ सारे भगवान जी की ड्रेस टाइगर प्रिंट पर बनाया, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, गाय माता जो होती है उनको भी नीचे। वाह अच्छी ड्रेस लग रही है आज है ना। मैंने पहली बार मतलब काफ़ी टाइम आ रहे हैं हम लोग, लेकिन आज बहुत अच्छी ड्रेस लग रही है सबकी, बिल्कुल तो मैं घर आ चुकी हूँ और मैंने कपड़े चेंज कर लिए नहा के, तो आज मेरी फ्रेंड के यहाँ कीर्तन भी है, मैं वहाँ जा रही हूँ, अपने पड़ोस में ही रहती है वो, तो वहाँ के लिए मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब मैं कीर्तन में जा रही हूँ।
तो मैं कीर्तन से आ चुकी हूँ, मगर थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन वहाँ भी मेरे को जरूरी था करोल बाग जाना, और यहाँ भी शामिल होना था, तो मैं यहाँ शामिल हो चुकी हूँ। प्रसाद भी लेके आए हैं, आरती तो मैंने सुनी ली थी, आरती के टाइम पे मैं पहुँच चुकी थी। तो ये प्रसाद है वहाँ का, और काफ़ी अच्छा था। साथ में उनकी बेटी का भी बर्थडे था, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि बर्थडे में मैंने कीर्तन किया, मैं कुछ भी नहीं लूँगी। तो सभी फ्रेंडों से कुछ भी नहीं लिया, बाकी पड़ोसी भी नहीं लिया, और उनकी एक मन में खुशी थी कि मुझे कीर्तन करना। तो चलो, बहुत अच्छा हुआ उन्होंने ऐसे मतलब बर्थडे में ये कीर्तन का फंक्शन रखा, तो बहुत अच्छा लगा। माता रानी के आज तो बस सुबह भी दर्शन हो गए और अभी भी हो गए शाम को, तो बहुत अच्छा दिन गया मेरा और काफ़ी अच्छा लगा। तो अब बस डिनर की तैयारी करते हैं बच्चों के लिए। शाम को 6 बजे बज चुके हैं, मैं अभी टाइम से आ चुकी थी, तो अब फटाफट से अपना काम करते हैं, फ्री होते हैं, और फिर बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे रात को। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म हुआ, अगले ब्लॉग में मैं बहुत जल्दी से जल्दी मिलती हूँ। देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्या लेके आते हैं आप सभी के पास सामने। तो कल मिलते हैं, और आप सभी को मेरी तरफ़ से नमस्ते।